भी जीमेल का आपको पासवर्ड पता करना है, ठीक है। उस चीज को आपको मैं एक तरीका और भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना है इस तरह से, एक तरीका पहले बता देता हूँ, उसके बाद देखो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीमेल का पासवर्ड कैसे पता करें। भाई देखो बहुत टाइम हो जाता है जब हम एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमको भाई हम अपना काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और हमको पता नहीं रहता है कि हमारी जीमेल का पासवर्ड क्या है, या फिर कुछ ऐसा रीजन होता है कि हमको दूसरे फोन में भाई अकाउंट खोलना पड़ता है और हमको पासवर्ड का बिल्कुल पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीमेल का पासवर्ड कैसे पता करें, भाई बिल्कुल आसान तरीका, और आपको मैं मोबाइल स्क्रीन में जाकर के स्टेप टू स्टेप समझाने वाला। तो भाई वीडियो को भाई पूरा देख लेना क्योंकि भाई आप लोगों को पता चल जाएगा कि पासवर्ड कैसे देखना है, और आप लोग भाई अगर इसको याद रखोगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लाइफ टाइम इसी तरह से भाई अपना पासवर्ड पता कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आज है 2024 में बदलाव भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं क्योंकि अपडेट आते रहते हैं भाई, जीमेल पर, प्ले स्टोर पर, हर जगह पर अपडेट आते रहते हैं। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि पासवर्ड कैसे पता करें। भाई देख सकते हैं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो भाई आपकी जो प्ले स्टोर आईडी होती है वो भी उसी के ऊपर, आपका यूट्यूब चैनल होता है वो भी उसी के ऊपर, आपकी इंस्टाग्राम आईडी होती है वो भी उसी के ऊपर, और आपकी जो जीमेल के अंदर भाई जीमेल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आपके नंबर होते हैं, सब कुछ भाई उसी के अंदर होता है। आपको दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी क्योंकि भाई अगर आपको जीमेल का पासवर्ड ही नहीं पता तो आपकी सब चीजें कभी ना कभी जा सकती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जीमेल का पासवर्ड कैसे पता करें। तो चलते हैं, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में जाकर के स्टेप टू स्टेप समझाता हूं। तो उससे पहले अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम है सदीक और मेरे भाई का नाम है सदीक बहेटे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, मोबाइल स्क्रीन में जाकर के स्टेप टू स्टेप समझा। देखो भाई जैसे कि आ चुका हूं मैं मोबाइल की स्क्रीन में, सबसे पहले क्या करना है आपको, जीमेल भाई आपको जीमेल जो सामने दिख रही हो आपके फोन में जो है ऑटोमेटिक पहले से होती है। सबसे पहले आपको करना जीमेल पर क्लिक कर देना है। जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। आपको ऊपर लोगो दिख रहा होगा, लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद जिस भी जीमेल का भाई, जैसे कि मेरी बहुत सी जीमेल है जहां के मैंने ब्लर करके रखी है, और मेरे फोन में बहुत ज्यादा जीमेल है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस भी जीमेल का आपको पासवर्ड पता करना है, ठीक है, उस चीज को आपको मैं एक तरीका और भी बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना है इस तरह से, एक तरीका पहले बता देता हूं उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके भाई ओपन है, अगर आपके फोन में ओपन नहीं है, अगर आप दूसरे फोन में लॉग इन करना चाहते हो, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना लॉगो पर क्लिक करने के बाद इधर आपको दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है और इधर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपको भाई सब कुछ इधर दिखा देगा कि आपने नेम क्या रखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपको दिखाएगा नंबर कौन कौन सा लिंक है इसके साथ, ठीक है। नीचे आपको दिखाएगा कि आपने ईमेल कौन सी लिंक करी है, ठीक है। इसके बाद सब कुछ इधर दिखाएगा, और आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे ना नीचे आपको इधर दिखाएगा पासवर्ड, ठीक है। आपका पासवर्ड पर क्लिक करोगे ना, अगर आपको पासवर्ड पता करना है तो पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जहाँ के मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है भाई, तो इधर आ चुका है। अब आपको बता रहा है इंटर योर पासवर्ड, ठीक है, आपको जो पुराना पासवर्ड है वो भरना है। अगर आपको नहीं पता उसका भी सोल्यूशन मैं बताता हूँ, जैसे कि मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मैं क्या पासवर्ड भरूँ इधर वो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद आपको करना, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको पासवर्ड पता करना है। तो आपको करना, अगर आपके पास भाई पासवर्ड है तो आप वहीं पुराना पासवर्ड इधर लगा सकते हो, और उसके बाद आप इधर से पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो और पासवर्ड देख भी सकते हो, ठीक है। मुझे पासवर्ड नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद इधर दिखा रहा है, इधर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे बोल रहा है कि आप अपना भाई पैटर्न खोलो, जहाँ कि मैं पैटर्न खोल देता हूँ। पैटर्न खोलने के बाद इधर भाई आपके पास थोड़ा सा ये मतलब लोडिंग लेगा। इसके बाद आपको बताएगा कि न्यू पासवर्ड, आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। इसके बाद मैं जहाँ के कोई भी पासवर्ड न्यू क्रिएट कर देता हूँ भाई, जैसे कि मैंने नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह पर आपको एक ही पासवर्ड कंफर्म करके भर देना है, और इधर से आपको करना चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। और इधर आपको दिखाएगा चेंज पासवर्ड, आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है, और देख सकते हैं भाई मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को मैं इधर देख ऊपर क्या सक्सेसफुली हो चुका है भाई, जो पासवर्ड मेरा था वो चेंज हो चुका है। और आप इस तरह से चेंज कर सकते हो अगर आपको दूसरे फोन में ओपन करना है, अगर आपको दूसरे फोन में ओपन करना है आपको इसी तरह से, जैसे कि मैंने इधर से फॉरगेट पासवर्ड किया, और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद अगर आपके दूसरे फोन में किसी में भाई मतलब पहले से खुली है और उसके अंदर आपको एक OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपको करना वो OTP उधर लगाना है और पासवर्ड फॉरगेट करना है, और उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से भाई पासवर्ड चेंज होते हैं, और बिल्कुल आसान तरीका था जैसे कि मैंने आप लोगों को सामने दिखा दिया।